अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसे आपको पता ही होगा, हमारे मुल्क में सैलाब ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो दोस्तों, आप सब दुआ करें, इंशाल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएं। और अगर आप इमदाद कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है, अगर आप सच में कर सकते हैं, तो अपने पास देखें कोई एनजीओ होगी या ग्रुप होगा, उस पर पार्टिसिपेट करें। आप बस ये देख लेना वो फ्रॉड ना हो, क्योंकि इस टाइम उनको हमारी बहुत जरूरत है। और हाँ, वो टैश के बच्चे कारोबारी लोगों से गुजारिश है, इस टाइम कीमत ज्यादा मत करो, इंसान बनो शैतान ना बनो। हमें सिर्फ यही नहीं रहना, आखिरत में भी मुंह दिखाना है। और बस वीडियो को स्टार्ट कर दें, उम्मीदें अच्छी हो। आपने वो वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा, आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ कर जाऊंगा। इजिप्ट में एक बंदे ने इसको इतना सीरियस लिया, ये रियल लाइफ में ऐसा काम कर दिया। हुआ ये कि एक निप्पी एग्जाम में फेल हो गई, तो वो बहुत सैड हो गई। उसने अपनी जानू फियांसे को बताया कि मैं फेल हो गई, तो उसको इतना गुस्सा आया कि स्कूल में ही आग लगा दी उसने। अबे क्यों आग लगा दी? क्या घर वालों ने ये शर्त रखी थी क्या? अगर ये एग्जाम में पास हुई, जब ही तुम्हारी शादी होगी। अबे जब निब्बा निप्पी प्यार मोहब्बत में ही लगे रहेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो एग्जाम में हक्के ही आएंगे और फेल ही होंगे। स्कूल का प्रिंसिपल तो नहीं बनाएंगे ना उनको? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। और ऐसे पागल नहीं हो जाने का भाई प्यार में कि जेल में जाके एग्जाम देना पड़े। और स्कूल वाले भी अब सोच रहे होंगे कि भाई नाम के साथ ये भी पूछ लेंगे कि फियांसे है या नहीं है। इंडिया के शहर चेन्नई में एक ट्रेन दुबई जाने के लिए फुल तैयार था। पैसेंजर सब अंदर पहुंच गए थे, मगर उसी टाइम कंट्रोल रूम में एक कॉल आई, हेरो जो ट्रेन जाने वाला है उस पे बम फिक्स है। फिर क्या, अफरा तफरी मच गई भाई पूरे एयरपोर्ट पे। और ट्रेन को रोका, सारे पैसेंजर को निकाला, 50 से 60 पैसेंजर होंगे उसमें, और उस ट्रेन को साइड पे रखा दिया। अबे काफी घंटों तक भाई उसकी सर्चिंग करते रहे, बहुत अच्छी तरह देखा, मगर बम तो कत्तू नहीं था उसपे। अबे किसी ने प्रैंक कर दिया इनके साथ, मगर सिक्योरिटी वालों से पंगा। अबे उन्होंने वो कॉल ट्रेस करी और उस बंदे को पकड़ के लेके आ गए जिसने ये नमूना बंदी की थी। और उस बंदे का कहना था, मैंने तो ये बतला लिया है। ना ना, एयर ट्रेवलिंग वालों से नहीं लिया, कि टिकट के पैसे ज्यादा थे, भर के अपनी बहन से जो उस फ्लाइट में दुबई जाने वाली थी। अजीब ही चमन बंदा है। इसका कहना है कि मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए थे, मगर मेरी बहन और बहनोई ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसलिए गुस्से में ये किया। अबे सही किया था भाई, तुम्हें पैसे नहीं दिए। अबे तुमने अभी ये कर दिया, कारोबार में तो पता नहीं क्या कर दे, और अपने बहन के चक्कर में ये बाकी पैसेंजर को क्यों परेशान किया? अबे बदला ही देने था तो भाई कार या टैक्सी में जिसमें वो आई थी उसके टायर पंचर कर देता भाई। अब बेटा चेन में बैठ के ना खियारी चास उड़ाना। अबे इंसान दुनिया में कुछ भी बेच सकता है। हवा सेल कर रहा है कोलंबिया में एक रोंडा, और लाखों रुपए कमा भी रहा है। कोलंबिया का दूसरा बड़ा शहर मेडेलिन, जहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है पूरे साल, काफी खुशगवार हवाएं चलती है वहाँ पे, और काफी विजिटर भी आते हैं भाई वहाँ पे। तो इसने सोचा मैं अपने शहर की प्यारी प्यारी हवाएं बेचूंगा, वो किसी पाइप से या औसार से। हवा चमक करता है और बोतल में सेल करता है शायद $5 की, और लोग भी भाई दीवानों की तरह से खरीद रहे हैं। अबे वेबसाइट बना रही इस बंदे ने अपनी, अब बताओ खरीद के क्या करोगे? बोतल जैसे ही ओपन करोगे सारी हवा तो निकल जाएगी उसमें से, या कोल्ड ड्रिंक की तरह बुश करके आवाज आएगी उसमें से। मतलब कुछ भी चिपका दो आजकल लोगों को। और लोगों ने इल्जाम भी लगाया है कि हम बोतल लेके जाते हैं मगर वो खारी होती है। अबे तो हवा को कैसे देखोगे, कैसे पकड़ोगे उसको? बस और क्या कहना है इन नमूनों के लिए। मैं भी अभी से एसी की हवा बेचना स्टार्ट कर रहा हूँ, $5 की नहीं 50 रुपए की बेच रहा हूँ, लिमिटेड ऑफर है जब तक राइट है। सब दुनिया में सब न्यूज हो गई है तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी लाजमी आ जाती है। तो सुनो, इस बंदे ने बनाया है भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8 मिनट में 32 पॉपकॉर्न के पैकेट खा गया ये। वैसे ये जो बंदा है जोई चेस्टनट, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए भाई खाने पीने के, और ये रिकॉर्ड इसकी हाफ सेंचुरी कम्प्लीट करता है। मतलब हम चीने के लिए खाते हैं कि जिस्म में एनर्जी आए, ये तो खाने पीने के लिए चीज आए, और इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इससे पहले 28.5 पैकेट खाने का रिकॉर्ड था। अबे इतनी जल्दी कैसे खा रहे थे लोग? मैं भी जल्दी खाता हूँ, मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, मगर 8 मिनट पे इतने नहीं खा सकता मैं। खैर अगर आप लोग इतनी जल्दी खा सकते हैं तो आ जाओ मैदान में, बनाओ ये रिकॉर्ड, और कोई आपके रिकॉर्ड को कवर करे या ना करे, मैं वीडियो बनाऊंगा आप पे। ये सीन इंडिया में हुआ है, जहाँ पे 42 साल के आदमी रोज पीवी की लड़ाई से तंग आके एक ट्री में जाके रहने रख गया। मतलब कितना लड़ते होंगे यार। उस आदमी का कहना है पिछले 6 महीनों से नॉन स्टॉप लड़ाई हो रही थी हमारी, कभी कभी तो पीवी मुझे मारती भी थी, तो इसलिए तंग आके ट्री के ऊपर रहने चला गया। वो खाने पीने का भी बंदोबस्त हो गया, क्योंकि उसके घर वाले भाई रस्सी में बांध के उसको खाना बेचते देते। अबे बोल रहे बहुत सुकून से जिंदगी गुजर रही है उसकी, बस इसको देख के और दुखी हस्बैंडों के अंदर जोश ना आ जाए, पता चला हर ट्री पे एक हस्बैंड बैठा हुआ हो। खैर बस मुझे एक कंफ्यूजन है कि चलो खाने पीने की चीजें तो ऊपर चली गई, मगर वॉशरूम का क्या सीन है भाई? क्या डायरेक्ट नीचे की फ्लाइट है उसकी, या वहीं कहीं सुराख उराख कर दिया है?
अमेरिका में एक अजीब सा वाक्य पेश आया। हुआ ये कि 911 में कॉल आई तो ऑपरेटर ने भाई बोला हेलो, मगर सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया और कुछ देर बाद कॉल भी बंद हो गई। जब उन्होंने ये नंबर को ट्रेस किया तो भाई वो एक सू का निकला। तो वहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिसर भेजे कि जाके देखो कॉल क्यों आई थी, क्या मसला हो गया। मगर जब वहाँ पे गए तो भाई वहाँ तो सब चंगा जी। आखिर उन्होंने इंतजामिया से पूछ ही लिया कि भाई क्यों कॉल की थी हमें, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, हमने तो कॉल नहीं की, ये क्या मजाक कर रहे हो ऑफिसर आप। मगर बाद में पता चला ये सारा कारनामा तो एक छोटे से बंदर ने किया है। उसने ये इंतजामिया के सेल फोन से भाई कॉल मिला थी और मिलाई भी तो डायरेक्ट पुलिस को मिला थी। शायद कंप्लेन करना चाह रहा होगा कि मुझे आजाद करो यहाँ से पिंजरों में से, या अपनी गर्लफ्रेंड बंदरिया को कॉल लगाने वाला होगा और गलती से पुलिस को रख गई। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो नहीं होते तो अच्छा होता, मतलब देख के उनको तेरी अजीब सा हो जाता है। ऐसे ही एक रिकॉर्ड अमेरिका में बनाया एक आदमी ने, एक मिनट में 10 गुब्बारे बुराने का। अबे इसमें क्या खास बात है? अबे उसने ये सब गुब्बारे अपनी नाक से बुराए। ये क्या है? अबे ये सुन के तो मेरी नाक में कुछ अजीब सा हो रहा है। इन्होंने 5 साल से ये रिकॉर्ड बनाने का सोचा हुआ था, मगर ये कोविड वोविड के पंगे के चक्कर में ना ये रुक गए। मतलब 5 साल से ये खुरफाती आइडिया इनके दिमाग में था। अगले 5 साल का भी रिकॉर्ड बता दो कि अगली दफा कहाँ से हवा तारोगे गुब्बारों में। वैसे ये जो अंकल है ना, इनके बहुत रिकॉर्ड है भाई, 250 रिकॉर्ड बना चुके हैं ये। सच में कमाल की बात है भाई, वेल डन अंकल। 1999 में इंडिया में एक आदमी ट्रेन पे सफर कर रहा था। जब उसने टिकट लिया था उसके टिकट पे भाई 21 रुपए सादा दे दिया वहाँ के लोगों ने। तो उसने बोला भाई सादा क्यों लिए, ये तो नाजायज है। मगर उसकी भाई किसी ने बात नहीं मानी। उसने काफी एहतजाज भी किया, भाई मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे वापस दो, मगर उसकी बात को भाई दफा दफा कर दिया। मगर ये बंदा तो भाई पीछे हटने वाला था ही नहीं, उसने केस कर दिया भाई रेलवे वालों पे। 5 साल ये केस चला है और फाइनली जीत गया ये बंदा। सुरूट भाई अंगर आपकी डेडिकेशन को सुरूट मारता हूँ, 132 दफा कोर्ट कह दे इस केस के लिए। अपने हक के पैसे लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और देखना 1-2 साल के अंदर ना भाई अक्षय कुमार इस पे मूवी भी बनाएगा। खैर इसके साथ वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगे और जो स्टार्ट में बोला था ना उस पे अमर भी कर लेना। और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखना और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।